तो ऐसा कुछ नहीं है, विरोधियों का काम है कहना। हमारे देश की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, उसका एक अद्भुत नज़ारा है ये। जहाँ पर थोड़े से अच्छे ओपिनियन होते हैं वहाँ बैड ओपिनियंस भी होते थे। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद हेतु चुनाव करवा रहा है। पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी सिलसिले में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव यहाँ पहुँची हैं। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को गांधी और नेहरू परिवार से अलग एक अध्यक्ष मिलने वाला है, कैसा लग रहा है? देखिए, कांग्रेस का अगर आप इतिहास उठाकर देखिए तो ऐसा नहीं है कि खाली ये गांधी परिवार के लोग ही अध्यक्ष रहे हैं। इस पार्टी, ये सबसे बड़ी पार्टी है देश की, सबसे पुरानी पार्टी है और आज यहाँ पर लोकतंत्र की एक बड़ी मिसाल दी जा रही है। तो इसके लिए मैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से, जिस प्रक्रिया से यहाँ पर चुनाव किए जा रहे हैं, इससे हम लोग एक अच्छी और मजबूत पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं। आपके विरोधी दल जो हैं वो लगातार यह कह रहे हैं कि भले ही कोई और जो है अध्यक्ष बन जाए, परंतु जो रूल हैं वो गांधी परिवार ही है जो करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे शशि थरूर जी हों, उनका अपना एक इतिहास रहा है। वो कई सालों से इस पार्टी की सेवा उन्होंने की है, उनका अपना एक स्टैंड रहा है और आगे आने वाले फैसले भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वही लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, विरोधियों का काम है कहना, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यह भी सियासी मैदान में खबरें आ रही हैं कि यह सिर्फ औपचारिकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है आधिकारिक रूप से मतलब जीत सुनिश्चित कर दी गई है पहले ही। ऐसा कुछ नहीं है, सबने अपना मत डाला है, नतीजों का इंतज़ार किया जाए। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे देश की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, उसका एक अद्भुत नज़ारा है ये और इस चीज़ को हम लोगों को वर्शिप करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह अब हमारा नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। क्या लगता है कौन इस बार, चूंकि दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कौन इस बार अध्यक्ष पद पर नियुक्त होकर आने वाले हैं? देखिए, हम सब लोगों ने अपना मत तो डाल दिया है और इस तरह से अभी इस बात को रखना ठीक भी नहीं है जब तक कि नतीजे आते नहीं हैं। ये सबका एक इंडिपेंडेंट और पर्सनल ओपिनियन होता है, निजी व्यक्तिगत हमारी राय होगी। बट ठीक है, मैं चाहूँगी कि जो भी अध्यक्ष बने वो हमारी पार्टी को और आने वाले समय में 2024 में एक चुनौती देने के लिए मजबूत पार्टी खड़ी करने में योगदान देंगे। शशि थरूर ने पहले चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया और आज जो है सुबह से ही कुछ लोग जो हैं वो डेलीगेट्स जो हैं कांग्रेस के, वो प्रदेश कार्यालय के बाहर इसी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक और जहां अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, दूसरी ओर पार्टी में इस तरह का मतभेद देखा जा रहा है? ऐसा कोई मतभेद नहीं है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि यहाँ पर सब मतों का सुझाव लिया जाता है। जहाँ पर एक तरफ सत्ता भी होती है और ऑपोजिशन भी होता है, तो ये एक इसकी खूबसूरती है। जहाँ पर थोड़े से अच्छे ओपिनियन होते हैं वहाँ बैड ओपिनियंस भी होते हैं, तो इसको मैं उस नज़र से नहीं देखती। तो हमारे साथ थी सुभाषिनी यादव, शरद यादव की बेटी हैं, कांग्रेस नेत्री हैं और ये अपने मत का प्रयोग करने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय जो पटना में स्थित है वहाँ पहुँची थी। और यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ कि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव चल रहा है। आज 17 तारीख है, 19 तारीख को फैसला आ जाएगा और एक बार फिर से कांग्रेस को गांधी और नेहरू परिवार से अलग एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है। विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।